मंगलवार को जमशेदपुर के सोनारिया एयरपोर्ट से एक ट्रेनी विमान ने उड़ान भरा और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। इस विमान का आखिरी लोकेशन चांडिल डैम का बताया जा रहा है, जहां इस वक्त सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रभात। दिन के 11:30 बजे सोनारी एयरपोर्ट से अल्केमिस्ट का ट्रेनिंग प्लेन जो आसना 125 उड़ान भरता है और उड़ान भरने के आधे घंटे के बाद से उसका ETS से कनेक्शन टूट जाता है। कल से ही अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि प्लेन क्रैश कर गया है, प्लेन पहाड़ पे गिर गया है, लेकिन कल देर शाम ये जानकारी मिली कि जो चांडिल का डैम है, आप मेरे पीछे देखिए, चांडिल का डैम में ये जो आसपास के गांव है, कैलागढ़ जगह है, वहां आसपास के गांव वाले नहा रहे थे तो उसने देखा कि एक प्लेन आकर इस जलाशय में गिरा है। उसके बाद कल NDRF की टीम को बुलाया गया है और NDRF टीम लगातार इस चांडिल डैम में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये सामान जो इक्विपमेंट सारा है जो NDRF की टीम पहुंची है, जो मास्क है, जो सिलेंडर है, उसे लेकर बोट से गई है अंदर और उसको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जो प्लेन जो गिरा है, ट्रेनिंग प्लेन जो गिरा है अल्केमिस्ट का, वो किस जगह पे गिरा है, एक्चुअल में कुछ ट्रेस आउट मिले। हालांकि अभी इस चांडिल डैम में परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं परिवार के लोग का रो रो कर बुरा हाल है, चूंकि अभी भी अगर कहे तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि डैम में ही जो जहाज गिरा। हालांकि जो गांव वाले बता रहे हैं, प्रशासन की पूरी टीम यहां लगी हुई है, जहां प्लेन गिरा है बताया जा रहा है वहां लगभग 30 से 40 फीट का गहरा पानी है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि कुछ भी क्लू मिल जाए ताकि जो परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर है तो है कहां दोनों पायलट, अब ये देखना है कि NDRF की टीम पानी में गई है क्या निकल कर आता है। सहीवानों के साथ प्रभात, न्यूज 11 भारत, चांडिल डैम। कल का और अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है NDRF की टीम के जरिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।